हेलो स्टूडेंट्स बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से आ, अपने इस चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल और इससे पहले के लेक्चर्स पर अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ तक जो काम हुआ था हमारा हम डिफरेंशिएशन के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे और डिफरेंशिएशन के अंदर लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे इस एक्सरसाइज पर अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 7.3 में दो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर थर्ड से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इस अपने इस लेक्चर को और थर्ड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा पहले वाई uh, इक्वल है uh, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं मेरे ख्याल से ऊपर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा ये uh, मैंने यहां लिखा

अपोन और नीचे है बी प्लस एम सॉरी प्लस बी टेन एक्स और नीचे बी माइनस ए टेन एक्स चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं हम आप सब देख पा रहे हो ये दो फंक्शन डिवाइड में है ना तो हम यहां पर u बाई वी फॉर्म लगाएंगे क्यूसेंट रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे तो इसको फर्स्ट लिख करके हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहां बच्चे डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म क्या होगा नीचे वाले का स्केर जब हम इस नीचे वाले का स्केयर करेंगे तो वो आएगा वन माइनस एक्स इसका स्केयर करेंगे तो अब नीचे वाला एजटिज डी बाई डी एक्स आई मीन डिफ्रेंशिएशन किसका ऊपर वाले का बीच में माइनस और अब ऊपर वाला इज ऊपर वाला एजटिज डी बाई डी एक्स आई मीन डिफ्रेंशिएशन किसका नीचे वाले का ये हमने u बाई वी से फॉर्मुलेट किया नीचे वाले का स्केर नीचे वाला एजटिज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि आप सब जानते हो इजीलिए आप अप्लाई कर सकते हो क्या फॉर्मूला होने वाला है इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर एजटिज और बच्चे जब हम इस x साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर u इंटू वी फॉर्म अप्लाई होगी आई मीन प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा x फर्स्ट एजिटेज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर बीच में प्लस का साइन मैंने डायरेक्ट कर दिया एक्स एजिटिज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस अब सेकंड आई मीन साइन इनवर्स एक्स एजिज और फर्स्ट एक्स एक्स का का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन रहेगा वन तो मल्टीप्लाई में वन लिखेंगे तो बच्चे रिजल्ट हमारा यही रहेगा बीच में माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स ये एजटिज और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉइंट टू अंडर रूट वन माइनस एक्स बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा root, वो पूरा. अब के अंदर जो रह गया उसको डिफ्रेंशियट करो तो अंडर रूट के अंदर कौन है वन माइनस एक्स स्क् वन का डेरिवेटिव हो गया जीरो माइनस कितना टू एक्स तो जीरो माइनस टू एक्स प्लस का टू एक्स हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब और इस कंप्लीट के नीचे कितना है वन माइनस एक्स स्क् सो वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब बच्चों हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल रिजल्ट रह गया एक्स बीच में प्लस ये इससे मल्टीप्लाई तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र साइन इनवर्स एक्स और बीच में ये प्लस का साइन ठीक है टू से ये टू कैंसिल यहां रह गया एक्स स्केर, स्केर और इस कंप्लीट के नीचे वन माइनस एक्स नीचे इसके वन है यहां नीचे इसके वन है तो यहां देख पा रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आएगा इससे 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 इन तीनों से ही एलसीएम आ गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर बच्चे ये डिवाइड मल्टीप्लाई तो आएगा एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर प्लस जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर वन माइनस एक्स स्केर की पावर वन हो गई और साथ में कितना साइन इनवर्स एक्स बीच में प्लस ये भी डिवाइड हो गया तो रिजल्ट यहां रह गया एक्स इनवर्स एक्स और इस कंप्लीट के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है अंडरस्टूड है और हम इसे मल्टीप्लाई करके वन अपॉन वन माइनस एक्स ये लिख सकते हैं अब देखिए अब यहां पे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक तो रह गया एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर और ये और ये इन दोनों से इन दोनों से बच्चे साइन इनवर्स एक्स कॉमन आ गया तो यहां रह गया वन माइनस एक्स एक्स प्लस एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर को मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस एक्स स्केयर से आप देख पा रहे होंगे अगर नहीं दिख रहा तो इसको फिर थोड़ा सा लिख देते हैं ऊपर ये अंडर रूट वन माइनस एक्स है और ये मल्टीप्लाई वन अपॉन वन माइनस एक्सर है ठीक है मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे तो ये आएगा की से तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या रह गया डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क् प्लस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क् तो बच्चे ये आ, कुल मिलाकर के हमारा differentiation आ गया जो हमें इसको करके देना था, ठीक है? अब नोट कीजिए अच्छे से आप सारे मेरे साथ साथ करते रहे साथ साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है लेक्चर पूरा देखने के बाद करोगे तो हो सकता है कि बार बार फिर उसको देखना पड़े साथ साथ करते रहिए जहां जहां आपको प्रॉब्लम आए वहां पोच कीजिए उसको फिर दोबारा से सुनिए चलिए आगे क्वेश्चंस में चलते हम बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि, आ, कि सर आ, और भी आ, सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आ रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा देखिए बच्चे एक साथ आप सब सब्जेक्ट्स की लेक्चर देखोगे काम करोगे तो सही बात है कि बड़ा प्रेशर सा रहेगा कहीं ना कहीं लगातार आ, आप जिस स्क्रीन को देख रहे हैं उसे आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप क्यों ना आप टाइम टेबल बना लें फिक्स कर लें आप मॉर्निंग आप में दो घंटे किसी एक सब्जेक्ट को दें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट को मॉर्निंग के टू आवर्स दें कि मॉर्निंग में मुझे इनके लेक्चर देखने हैं और उनके लेक्चर को देख करके अगर हमारे लेक्चर लास्ट आधे घंटे तक मतलब आधे घंटे की एक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बच्चे ये नहीं है कि, कि आप आधे घंटे का लेक्चर देखें और वो काम चल गया अगर आप हमारे आधे घंटे का लेक्चर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं आधे घंटे का लेक्चर देख रहे हो तो एक डेढ़ घंटा आपको खुद भी पढ़ना है उसको क्योंकि उसमें जितना भी बताया गया है काम जो भी आपको पढ़ना है उसमें एक डेढ़ घंटा आपका खुद का भी लगना है तो दो घंटे आपके एक सब्जेक्ट के पक्का लगने हैं दोपहर का टाइम किसी दूसरा सब्जेक्ट को दीजिए ऐसे शाम का टाइम तीसरे सब्जेक्ट को दीजिए तो मेन तौर पे पीसीएम आप अपने ऐसे कवर कर सकते हो बात रही लैंग्वेज इंग्लिश की तो इंग्लिश को आप बीच में कहीं भी टाइम दे सकते हैं ठीक है तो आप ऐसे मैनेज मैनेज करना सीखे बच्चे ठीक है तो ये आप सब बड़े हो आप सब खुद अपने डिसीजन अच्छे से ले सकते हो ठीक है अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें क्वेश्चन ये हमारे पास टेन इनवर्स ए प्लस बी टेन एक्स एक्स अब अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो पहले टेन इनवर्स से डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा वन अपॉन वन प्लस इसका स्क्वायर और फिर इसका यू बाई वी से वो भी हो सकता है और अगर इस पे कोई फॉर्मूला लग सकता है आई I मीन mean ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है तो क्यों ना पहले फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर ली जाए मैं क्या देख रहा हूं बच्चों टेन इनवर्स है ना बाहर तो अंदर टेन का ही फॉर्मूला बनना चाहिए यहां पर टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा ऊपर दोनों का प्लस नीचे वन में से माइनस दोनों की मल्टीप्लाई तो यहां वन होना जरूरी है अभी देखना बनाएंगे फॉर्मूला। इसको वन बना ले अगर इस बी को वन बनाना है तो ऊपर नीचे दोनों को बी से डिवाइड कर दें। सो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने बी से डिवाइड किया यहां हो गया ए बाई बी प्लस टेन एक्स और यहां हो गया वन माइनस ए बाई बी टेन एक्स अब बच्चे आप पक्का समझ में समझ गए होंगे कि फॉर्मूला बन गया बहुत आसान है बच्चों आप आईक्यू के साथ खेलें अपने आईक्यू को दुरुस्त करें बच्चे दोनों ऊपर नीचे बी से डिवाइड किया तो ये बन गया नीचे डिवाइड किया ये बन गया अब देख पा रहे हो ऊपर तो इन दोनों का प्लस हो रहा है ए बाई बी प्लस टेन एक्स ऊपर दोनों को ऐड कर रहे हैं और नीचे वन में से माइनस कर रहे हैं हम किनको इन दोनों की मल्टीप्लाई को तो मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स ये जो आप देख रहे हो ये पूरा फॉर्मूला है ना किसका बच्चे ये आप जो देख रहे हो एक सेकेंड मैं आपको यहां बताता हूं फॉर्मूला कि हमने टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला जाना है जो क्या है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई राइट तो अगर मैं इसको यहां से देखूं टेन इनवर्स ऊपर दोनों का सम नीचे वन माइनस दोनों की मल्टीप्लाई तो इस कंप्लीट को हम ये लिख सकते हैं ना तो यहां इस कंप्लीट को मैं क्या लिख सकता हूं टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स समझे मेरी बात तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इसका फॉर्मूला हो गया इन दोनों का फॉर्मूला लगाओगे तो यही तो आएगा समझ आया अब इसके बाद वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस बच्चा यहां रिजल्ट आ गया एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स रहेगा अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डी वाई बाई डी एक्स आप इसको लिख दें फर्स्ट और यहां लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बताना जरूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सो so इनवर्स है A by B पूरा constant है पूरा वेरिएबल है ही नहीं इसका डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में वन सो यू कैन राइट जीरो प्लस वन इज एक्चुअली वन so dy by dx is equal to one. dy by dx हमारा कितना आया वन के इक्वल आ गया ठीक है समझ में आ गया होगा आपको इसके क्वेश्चन नंबर फोर पे आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर फोर मतलब इसके फोर्थ पार्ट पे कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा पहले टेन इनवर्स से करें वन अपॉन वन प्लस टेन इनवर्स के साथ है उस पूरे का स्केर और फिर टेन इनवर्स के जो साथ है उसका डिफरेंशिएशन करें यू बाई वी फॉर्म से बच्चे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर और सिक्स पार्ट में दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन और तो मैं इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट ले रहा हूं उस सिक्स्थ में ही फोर्थ पार्ट भी कवर हो जाएगा लीजिए करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन इसका सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सिक्स पार्ट लेट वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स थ्री एक्स प्लस फोर यस फोर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क् डिवाइडेड बाय फाइव अब करने को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पहले कोस इनवर्स से फोर में लगाए माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस इस पूरे का स्क्वेयर और फिर इसका डेरिवेटिव अलग से करें बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा वो हम मैं फिर से बोल रहा हूं जितना भी हो सके आप सबसे पहले उस फंक्शन को सोल्व करें ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाए जितना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा हमारे लिए डिफ्रेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है चले देखते हैं इसमें आ, क्या करें वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स वी कैन राइट इट थ्री बाई फाइव फाइव एक बार इसके नीचे सो थ्री बाई फाइव एक्स प्लस एक बार इसके नीचे फोर बाई फाइव अंडर रूट वन माइनस एक्सर इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है अब एक बार आप है ना इसका जरा फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए फिफ्थ पार्ट कुछ इससे मिलता जुलता ही है थ्री बाई फाइव तो है लेकिन इस एक्स की जगह कोस एक्स आ रहा है प्लस की जगह माइनस है फोर बाई फाइव तो है लेकिन इस अंडर रूट वन माइनस एक्सर की जगह क्या आ है साइन एक्स आ रहा है तो देखिए क्या करेंगे कोस इनवर्स है ना बच्चे बाहर अगर कोस इनवर्स है तो हम चाहेंगे ये पूरा जो अंदर अंदर जो पूरा जो ये एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट कोस का ही फॉर्मूला बने या साइन का बने ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये साइन या कोस में से किसी एक का फॉर्मूला बने तभी तो कोस इनवर्स से कोस की कुछ प्रॉपर्टी लगेगी या ये तो साइन को भी कोस में चेंज किया जा सकता है उसके एंगल को 90 में से माइनस करके ठीक है तो देखते हैं पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कोशिश क्या हम चल ही रहे इस काम पे कि मैं इसको कोस का फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी आई मीन इस पहले को हमने पुट किया थ्री बाई फाइव को हमने पुट किया पुट किया कर सकते हैं इसको पुट किया और जो एक्स है इसको हमने पुट किया कोस फाइव लिख सकते हैं कोस थ्री बाई फाइव हो गया कोस थीटा एक्स हो गया कोस फाइव अब देखिये अगर कोस थीटा थ्री बाई फाइव है तो थीटा हमारा कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव हो गया ना और ये अगर एक्स अगर कोस फाइव है तो फाइव इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स और बच्चे अगर कोस थीटा थ्री बाई फाइव है तो साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस इसका स्केर नाइन बाई ट्वेंटी फाइव मीन साइन थीटा इक्वल आएगा फोर बाई फाइव के ये तो और भी अच्छी बात हो गई कि ये जो फोर बाई फाइव है ये साइन थीटा बन गया और अगर cos phi x है तो साइन फाइव अंडर रूट वन माइनस को स्केर फाइव एक्स ये रहेगा ना ये अंडर रूट वन माइनस एक्स के हमारा साइन फाइव हो गया देखिए आप पूरा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है इसको कोस का फॉर्मूला बनाने के लिए तो कैसे वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव को क्या लिख सकते हम थीटा हमारा कितना हो गया बच्चे कोस फाइव कोस थीटा कोस फाइव बीच में प्लस है फोर बाई फाइव को क्या कहेंगे हम साइन थीटा यस साइन थीटा हो गया इसके बाद वन माइनस एक्स कितना है साइन फाइव साइन फाइव अब आपको पक्का आ, समझ में आ गया होगा कंप्लीट ये कोस ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका फॉर्मूला हो गया ये कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी ये फॉर्मूला हो गया बच्चे कोस ए माइनस बी थीटा माइनस फाइव बच्चे इसको मैं कोस फाइव माइनस थीटा भी लिख सकता था क्योंकि ये थोड़ा पता है ए कौन बी कौन? और वैसे भी आ, कोस माइनस एक्स कहे आई I मीन mean, माइनस एक्स मतलब ये पूरा और कोस एक्स कहे तो दोनों सेम ही रहेंगे कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही तो रहेगा इससे नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो ये आएगा और इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है सो इसको थीटा माइनस फाइव या फाइव माइनस थीटा कोस के साथ दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है वाई इज इक्वल टू यहां रिजल्ट आएगा थी एंड वाई इज इक्वल टू की जगह हम लिखेंगे क्या कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव की जगह हमारा आ गया कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव ठीक है माइनस फाइव फाइव की जगह रिजल्ट आ गया कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स वैल्यू रख दी अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशियटिंग डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चा इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया वेरिएबल कोई है ही नहीं पूरा कॉन्स्टेंट है और बीच में माइनस कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर तो माइनस इसमें है इसके फॉर्मुले में भी माइनस आएगा तो प्लस हो गया न राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केर यह इसका डिफरेंशिएशन आ गया देखिए ठीक है और इससे पहले वाला जो पार्ट है इसका पार्ट आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी की तरह होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट कर लीजिए इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से हम बता रहे हैं और इसमें जितने भी पार्ट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है एक क्वेश्चन आने की और ये जो सब क्वेश्चंस बच्चे हम कर रहे हैं ना ये हमारे तीन चैप्टर्स को स्टडी करा रहे हैं तीन चैप्टर में हेल्प कर रहे हैं एक तो ये आप देख रहे हो इनवर्स टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनवर्स टनोमेट्री का रिविजन चल रहा है दूसरा आप डिफ्रेंशिएशन में तो देख ही रहे हो तीसरा यही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी रहेंगे बस फर्क क्या होगा ये सारा सोल्व करने के बाद लास्ट में अब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो वो इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे हम ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं क्वेश्चन नंबर में नाइन पार्ट है कुछ एक क्वेश्चन में करा रहा हूं कुछ में मैं हिंट्स देते हुए चलूंगा कि आपको कैसे क्या करना है क्या सब्सिट्यूट करना है देखेगा सब बच्चे अच्छे से काम करते रहे बच्चे बहुत खुशी मिलती है बच्चों जब पता लगता है कि आप लोग काम कर रहे हो आपसे आउटपुट लेते हैं आप लोग डाउट पूछते रहते हो तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ जो मेहनत की जा रही है उसका फल मिल रहा है बच्चों उसका एक तरीके से आउटपुट अच्छी मिल रही है बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर के फर्स्ट पार्ट में हम हमसे कहा गया है कि सोल्व करें वल टू वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन टू और लिखा गया है कि x की कहां, से, कहां तक है वो आप सबको मालूम है कि वो क्यों लिखनी पड़ती है ताकि ये रूट के अंदर जो चीज है ये ये पूरा फंक्शन डिफाइन हो सके रूट के अंदर ये जो है ये नेगेटिव ना बने इसलिए बताया गया है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है साइड में लिखा हुआ है चलिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है और ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर सब्सटीट्यूशन मतलब वो डायरेक्ट नहीं करना अब कि कोस इनवर्स से कर दिया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस इसका स्क्वायर और फिर इसका कर दिया ऐसा डायरेक्ट नहीं करना प्रॉपर का मतलब X की जगह कुछ स्कूल करके सोल्व करना है हम भी यही चाहते हैं सच पूछो तो हम भी यही चाहते हैं कि कुछ सब्सिट्यूट करके ही सोल्व करें क्यों क्योंकि सब्सिट्यूट करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा जितना सिंपलेस्ट बनेगा उतना ही डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी तो चलते हैं एक बार फिर से में में बच्चों हमने डिस्कस डिस्कस की थी बात। कुछ लॉजिक्स किए थे। याद आ गए? हाँ, जब भी कभी रूट में वन प्लस एक्स हो, तो क्या पुट करते हैं टू थिटा। अंडर रूट का वो आप उसमें आपने नोट किया होगा लॉजिक्स बताए थे उसमें तो हम यहां पर पुट करेंगे सब्सिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू कोस टू थीटा जब भी रूट में वन प्लस एक्स या रूट में वन माइनस एक्स हो अब जैसे ही हम पुट करें, तो नेक्स्ट जो, अगला जो हमारा काम है वो है कि यहां से थिटा निकाला जाए कि थीट्टा क्या आएगा अब जरा देखिए यहां से कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू थीटा बन गया की वैल्यू आ गई वन बाई टू कोस इनवर्स एक्स दिस इज अवर थी रखिए वाई इज इक्वल टू कोस अंडर रूट वन प्लस एक्स एक्स की जगह आ गया कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू सो वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला

न बाई टू कॉन्स्टेंट और कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्सर यह इसका फटाफट कर दीजिए ये ज्यादा इसमें कुछ आ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उलझे हुए क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट आएगा फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप सोल्व कर रहे थे ऐसे ही सब्सिट्यूट करके सोल्व करते हुए चलना है और देखिए क्वेश्चंस कुछ एक क्वेश्चंस में मैं हिंट देता हुआ चलूंगा बच्चों आप उनको सोल्व सोल्व uh, करते चलें। अगर हम बात करें uh, इसके सेकेंड पार्ट पे इसके सेकेंड पार्ट पे लेट वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क् बताओ बच्चों क्या पुट करेंगे पुट करेंगे जब भी कभी रूट में वन माइनस एक्स स्क् हो तो क्या पुट करते हैं साइन थीटा या फिर कोस थीटा पुट कर देंगे x इज इक्वल टू चलो साइन थी पुट कर लो ठीक है तो यहां से की वैल्यू कितनी आएगी टू साइन थीटा ये बन गया टू साइन थीटा साइन थीटा यहां रखेंगे तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्केटा बच्चे वो हो जाएगा cos theta, सब जानते हो इक्वल टू कोस इनवर्स ये टू साइन ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है और अब बाहर कोस इनवर्स है अंदर साइन है ये जब तक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तब तक यहां कोस ना बन जाए तो बच्चे इस, इस अंदर वाले साइन को कोस बनाया जा, जा सकता है कैसे हम इसे कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिख सकते हैं इसके एंगल को 90 में से माइनस करेंगे सो वाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पाई टू माइनस टू थीटा सो वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा so, और थीट्टा की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स एक्स यहां तक जो हमने काम किया ये इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर का, का काम हुआ है यहां तक अब अब हम इसको डिफरेंशियट करेंगे है, इसका हो गया, और माइनस टू और यहां हो गया वन अपोन अंडर रूट वन माइनस एक्स ये साइन इनिवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया ठीक है समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट पे चल एक बार साफ कर लेते हैं इसको फिर आगे के कुछ दो तीन पार्ट लेते हैं बच्चे क्वेश्चंस में पार्ट्स ज्यादा है बच्चों तो एक एक पार्ट्स आप सबको करने हैं ऐसा ना हो कि बीच बीच में से आप कुछ पार्ट्स छोड़ दें जो सिर्फ यहां समझाए जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को करें आप आपको सारे ही पार्ट सोल्व करने हैं बात करें अगर हम इसके थर्ड पार्ट पे तो इसके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है सॉरी फोर्थ का थर्ड पार्ट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स यस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर बताइए किसका फॉर्मूला होगा एक्स की जगह क्या रखें कि फॉर्मूला बने आप सब जान रहे हो क्या पुट करें पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बच्चे अब मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं आप खुद खुद कर देंगे x अगर टेन यहां रखेंगे तो ऊपर होगा टू टेन नीचे होगा माइनस टेन थीटा वो टेन टू का फॉर्मूला हो गया और उसके बाद सोल्व कर दीजिए फटाफट अगले क्वेश्चंस पे अगर हम देखें तो इसका जो फोर्थ पार्ट है uh, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क् सोचिए इसमें भी यही करेंगे x की जगह करेंगे ऊपर हो जाएगा टू टेन नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन स्कोर थीटा बच्चे किसका फॉर्मूला होता है वो वो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा अब अंदर हो गया साइन टू थीटा बाहर हो गया कोस इनवर्स अभी तो बताया था क्या करें उस साइन टू थीटा जो एंगल है टू थीटा उसको पाई बाई टू में से माइनस कर देंगे पाई बाई टू में से माइनस करेंगे तो फिर वो कोस ही बन जाएगा अभी क्या था वैसे कर दीजिए इसके आप फिफ्थ पार्ट इजीली कर सकते हो आप देखिए एक्स साइन थीटा पुट करेंगे तो अंदर साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम बात करें इसके सिक्स पार्ट पे सिक्स पार्ट है लेट y इज इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स बच्चा ये हमने क्वेश्चन नंबर का पार्ट। क्वेश्चन लेक्चर में फर्स्ट के सिक्स पार्ट क्वेश्चन को रोक दिया था और मैंने कहा था कि जब हम ये क्वेश्चन कराएंगे तभी मैं वहां पर डिस्कस करूंगा तो वहां सिक्स पार्ट में क्या है कि यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव बस इतना ही फर्क है चलिए तो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं इसी के तरह आप उस सिक्स पार्ट को भी कर देना क्या करेंगे बाहर कोट इनवर्स है तो क्या करेंगे अंदर या तो टेन का फॉर्मूला बने या कोट का फॉर्मूला बने तो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा क्या करें पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले बहुत बहुत अच्छे से याद होने चाहिए अब जिस भी बच्चे के टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं उनको इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी इवन वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस करूं बड़ा इंटरेस्ट जमेगा उसका तो यहां एक्स आ गया टेन थीटा थीटा यहां आ गया टेन इनवर्स एक्स वाई कोट इनवर्स वन प्लस थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस थीटा वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स बच्चे ये जो आप देख रहे हो ये किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा अब बाहर कोट इनवर्स है अंदर टेन है इस टेन को कोट बनाना होगा सो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स कितना आएगा कोट कोट इस पूरे एंगल को पाई बाई टू में से माइनस माइनस पाई बाई फोर माइनस थीटा बच्चे अब इस प्रॉपर्टी से ये हट जाएगा तो यहां से रिजल्ट आ गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर इट इज माइनस इट इज पाई बाई फोर माइनस थीटा एंड दिस कैन बी रिटर्न एज पाई बाई फोर माइनस थीटा थीटा कितना टेन इनवर्स एक्स और बच्चे अब तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर ही देंगे डीवाई बाई डी एक्स इसका जीरो और ये माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया ठीक है और और इसके पार्ट्स देखते हैं अगर हम बात करें इसके सेवन पार्ट पे इसके सेवन पार्ट पे लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स ऊपर है वन प्लस एक्स स्केर और नीचे है वन माइनस एक्स स्केर बताइए क्या करेंगे आ, बहुत से बच्चे इसमें सोचते हैं कि x को tan थीटा पुट कर दें x को tan थीटा पुट करोगे तो ऊपर वन प्लस टेन स्कोर थीटा अपोन वन माइनस टेन स्कटा बनेगा जो कि फॉर्मूला तो है इसका रिवर्स करने पर कोस टू थीटा का आई I मीन mean ये वन अपोन कोस टू थीटा का फॉर्मूला है और ये हो गया सी कैंड टू थीटा तो बाहर टेन इनवर्स है और अंदर सी कैंड टू थीटा बनेगा बात जमी नहीं या तो ये पूरा अंदर टेन बने या कोट बने तभी तो इनवर्स से टेन या कोट फॉर्मूला लगाया जा सकता है ना यू तो इसको भी हम टेन कोट बना सकते हैं यहां पर आ, तो क्या करें बच्चे मैंने क्या किया इस बार इस पूरे एक्स स्क् को ही टेन पुट कर लिया ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा इस एक्स ही टेन थीटा पुट कर लो ना बच्चों तो थीटा यहां से कितना आएगा टेनवर्स एक्स स्केर इनवर्स एक्स स्केर तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स यहां आएगा वन प्लस अपॉन वन माइनस किसका फॉर्मुलाई फोर प्लस थीटा अब यहां से रिजल्ट आ गया पाई बाई फोर प्लस थीटा तो बच गया पाई बाई फोर प्लस थीटा थीटा कितना है

अगर मैं बात करूं इसके नाइन्थ पार्ट पे ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है बच्चों टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है अब सब जानते हो क्या पुट होगा अगर वन माइनस अगर वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स हो तो कोस टू थीटा लेकिन ए साथ है तो पुट क्या होगा ए कोस टू थीटा आप ये पुट करें यहां से थीटा निकाल ले पहले तो ए इसके नीचे आएगा एक्स बाई cos इक्वल टू कोस टू आएगा कोस इनवर्स एक्स बाई ए और टू इसके नीचे तो theta आएगा by two, cos inverse X by A. ठीक है बाई टू की वैल्यू आएगी एक्स की जगह ये पुट करे इसमें फॉर्मूले अपने आप बनेंगे सोल्व हो जाएगा ठीक है आप इसको करके देखें अच्छे से और आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं क्योंकि थर्ड और फोर्थ में बहुत ज्यादा पार्ट है छ और नौ फिफ्टीन क्वेश्चन ये आपके हैं तो आज ये पंद्रह के पंद्रह क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें बच्चे अच्छे से आप काम करते रहें ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आ, हम आगे की जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देखते हैं कहाँ तक होंगे वो कंप्लीट करते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आप पढ़ते रहिए थैंक यू